अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है फायर बेस में ऑथेंटिकेशन करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने कुछ कोड किया होगा लेकिन दोबारा से आपके सामने दोबारा करूँगा। तो ये एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं फायर बेस। इसके अंदर हम ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, पहले एक लेक्चर वीडियो बना लेते हैं और दूसरे हम रियल टाइम डेटा बेस के साथ उसको उसी प्रोजेक्ट को इसके अंदर रियल टाइम डेटा बेस यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है, ये है फायरबेस, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के नेम से बना लिए, फायरबेस लेक्चर बना लेते हैं, लैब बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा लैब हो गया और सब कुछ सेट है, फिनिश कर दिया। तो ये हमारा जी आ गया, यहाँ पे फायरबेस ओपन करेंगे हम सबसे पहले अपनी साइट, ठीक है। साइट पे जाएंगे, फायरबेस यहाँ पे ओपन करेंगे, आपने गूगल के साथ लॉगिन होना है, गूगल अकाउंट के साथ, ठीक है। गो टू कंसोल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गो टू कंसोल पे जाएंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पे आप देखें मेरे अलग रहे, यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट ऐड हो जाए इसकी लिमिट पूरी ना हुई हो, हाँ ठीक है, ये ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट ऐड कर लेता हूँ, लाइक कोई भी नेम दे सकता हूँ, फायरबेस लैब की नेम दे देता हूँ, ठीक है। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, फायरबेस लैब, तो वो मैं यहाँ पे नेम दे दिया है। यू हैव रीच्ड टू द प्रोजेक्ट लिमिट फॉर योर अकाउंट, यू कैन नॉट ऐड फायरबेस, ठीक है। मैं अपने इस अकाउंट से फायरबेस अकाउंट न्यू अकाउंट ही बना सकता, ये एरर आपका नहीं आएगा, ठीक है। बेफिक्र है ना, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं फायरबेस के, तो इसलिए मैं इस अकाउंट से भाई नहीं बना सकता। तो मैं ये अकाउंट जो स्विच कर लेता हूँ, यूनिवर्सिटी अकाउंट यूज कर लेता हूँ, गो टू कंसोल जाता हूँ अपने अपने किसी, ठीक है। तो ये मैंने एक क्विज की नेम से कल शायद जो आप लोगों को पढ़ा रहा था तब ये बनाया था। तो चलें, अब मैं एक और दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ फायरबेस लैब की नेम से, फायरबेस लैब की नेम से आपने यहाँ पे बनाना है, ठीक है, अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे या आपके पास गूगल एनालिटिक्स की कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। मैं अभी इसको डिसेबल कर दूँ, हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, आप इनेबल भी कर लें कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा तो ये आपका जो फायरबेस प्रोजेक्ट है वो क्रिएट कर देगा। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई आवाज में इशू तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू। तो अगर आप लोगों जो लाइव सेशन में ज्वाइन किया हुआ है उनमें उनको अगर कोई इसमें इश्यू हो तो वो मुझे बता दें, ठीक है, ताकि उनको लाइव सेशन ज्वाइन करने का फायदा भी हो जाए। बाकी मैं ये वीडियो तो शेयर कर ही दूंगा। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने जो हम लोग अभी ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं, मेल एंड पासवर्ड से कर रहे हैं। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, एडिट करूंगा और फर्स्ट वाले को इनेबल कर दूंगा, ठीक है, और सेव कर दूंगा। तो ये देखेंगे कि ये मेरा जो ईमेल एंड पासवर्ड वाला है ये इनेबल हो गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे अपने जो यूजर्स होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, अभी के लिए यही है यहाँ पे करना है। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में वापस जाऊंगा, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, इस पे मैं क्या करूंगा, अपने टूल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करना है, टूल पे, यहाँ पे आपको देखेंगे थर्ड लास्ट ऑप्शन शो हो रहा है फायरबेस का, फायरबेस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप फायरबेस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये असिस्टेंट ओपन हो जाएगा यहाँ पे राइट साइड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने के पास क्या होगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे, फायरबेस जो फैसिलिटी जो फीचर्स देता है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। हम यहाँ पे यूज करने के ऑथेंटिकेशन अब यूज कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ऑथेंटिकेट विद द गूगल साइन इन, ठीक है।
हम गूगल साइन इन से ऑथेंटिकेट करने जा रहे हैं और हम क्या करेंगे, कनेक्ट टू द फायरबेस, पहले अपने प्रोजेक्ट को कनेक्ट करेंगे। अच्छा, आपको कनेक्ट टू फायरबेस की थोड़ी सी डिटेल भी बता देता हूँ, इसका होता क्या है। इससे आप जब करते हैं अपने कनेक्ट टू फायरबेस, एक्चुअली बैकएंड पे होता क्या है, बैकएंड पे होता ये है कि आप अब अपने प्रोजेक्ट को देखें, ये आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल बता देता हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट को मैनुअली भी ना अपने कर सकते हैं आप, मतलब या बटन पर क्लिक ना करें, अगर मैनुअली आपने करना तो वो कर सकते हैं। वो उसका क्या होता है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाएंगे आप, यहाँ पे देखेंगे आपको भी यहाँ पे कोई जेसन फाइल नहीं नजर आ रही होगी, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, क्लिक करूंगा, कनेक्ट करूंगा, अच्छा ये मुझे एक एरर ये भी दे रहा है, ये न्यू वर्जन में आ रहा है, न्यू वर्जन में इसलिए इशू आ रहा है कि वो अभी यहाँ पे जेस सेंटर की जो लाइब्रेरी है, डिपेंडेंसी है, फीचर है मेवन, वो उसको खत्म कर रहे हैं। तो कहते हैं भाई अपने जो प्रोजेक्ट में से ना इसको हटा दो, तो वो मैं हटा दे, तो इसको जे सेंटर वाली लाइन को मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे जे सेंटर वाली लाइन को हटाने के बाद क्या करना है, सिंक नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सिंक नाउ मैं जैसे ही करूंगा तो ये मेरा सिंक नाउ हो गया। अब मैंने क्या करना है, कनेक्ट टू फायरबेस करूंगा, तो ये कहता है कि क्या कह रहा है, योर ऐप नीड टू बी बिल्ड बिफोर द कनेक्टिंग फायरबेस, बिल्ड हुई नहीं हुई, चलें बिल्ड कर लो भाई, लेकिन हो जाना चाहिए था। ये बिल्ड हो रहा है, जैसे ये बिल्ड कंप्लीट होगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये सारे सेक्शन बी के हैं, कुछ सी का भी है, सेक्शन बी के ही है सब। सही सही, सेक्शन बी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल। तो नहीं, ये पता नहीं क्यों इतना स्लो हो गया, एक्चुअली मेरा लैपटॉप को मैंने कोई हफ्ते से रिस्टार्ट भी नहीं किया, इसलिए लैपटॉप भी थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि रिकॉर्डिंग जो टाइम है वो ज्यादा ना हो, इसलिए उसको मैं पॉज कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ये बिल्ड कंप्लीट हो गया और हम इस पे कर रहे हैं कनेक्ट टू फायरबेस। जैसे कनेक्ट टू फायरबेस करेंगे तो ये आपको स्विच कर देगा इस साइड की तरफ। अब मोस्टली बच्चों का इश्यू आ रहा था कि सर हमारे जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है ये भाई स्टॉप हो गया, ये ना कैंसिल हो रहा है ना ये हो रहा है, जैसे उधर जाते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। उस चीज को इग्नोर नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी पे रहना है। अब देखना है, सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आप कौन से अकाउंट से लॉगिन है, क्या आप उसी अकाउंट से लॉगिन है जो आप जिस पे आपने फायरबेस अकाउंट प्रोजेक्ट बनाया है। मेरी केस में वो सेम अकाउंट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्विच कर रहा हूँ कि भाई दूसरे अकाउंट पे जाओ जिस पे हम लोगों ने अभी प्रोजेक्ट बनाया था, फायरबेस लैब से प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये कनेक्ट कर देगा मेरी एंड्रॉयड ऐप को, ठीक है, मेरी एंड्रॉयड ऐप को अपने इस अकाउंट के साथ अटैच कर देगा। ये अब कह रहा है, ठीक है, योर एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इज कनेक्टेड टू योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप, ठीक है, ये मैं कनेक्टेड होगी। अब मुझे यहाँ पे तो चलो इसे कह दिया कनेक्टेड होगी, लेकिन वो कैसे पता चल रहा है, क्या चीज ऐसा फर्क पड़ा है, वो फर्क ये पड़ा है, प्रोजेक्ट में हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फाइल गूगल जेसन सर्विसेज के नाम से ऐड हो गई है, इसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स वगैरह पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये वो फाइल है, अगर आपको मैनुअली यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा होता तो आप ये फाइल मैनुअली ऐड कर सकते हैं, ये आप अपने प्रोजेक्ट की फाइल वहां से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अच्छा चलो यार, ये फिर गया है, कनेक्ट करो, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी होती है जो जिसको थ्रू आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या करना है, हम लोगों ने ऐड की बिल क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो उन स्टेप्स क्या करने हैं, ये इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लेवल पे चीजें चेंजेस की हैं आप बेशक ना करना,
ठीक है, जो थोड़ा सा कहते हैं कि हम लोग थोड़ा सा कमजोर हैं और एक्स्ट्रा चीजें नहीं समझना चाह रहे, उस चीज को इग्नोर करें। आपने सिंपल प्रोजेक्ट ओपन करना है, असिस्टेंट पे क्लिक करना, तक कनेक्ट पे क्लिक करना है। आपके जो ये वाला कनेक्ट पे आपने जैसे ही क्लिक किया था तो आपकी जो एंड्रॉयड सॉरी यहाँ पे जो ब्राउजर क्लिक हुआ था वो आप ऑटोमेटिकली आपने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आप लोगों ने, उसको कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देन आपके यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कनेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, जो आप लोग मीटिंग के अंदर हैं, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? जी सर सर क्लियर है। या कुछ कंफ्यूजन हुई है, कंफ्यूज हो गए हैं आप लोग? नहीं सर नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक कर दें सिंपली। बाकी बेशक आप इस चीज को छोड़ देंगे, कौन सी फाइल ऐड हुई है नहीं हुई, अगर किसी को समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो इग्नोर। ठीक है, बाकी आपने फिर यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ बिल्ड होगा, कुछ फाइल डिपेंडेंसी ये ग्रेडल की फाइल के अंदर यहाँ पे इस पे ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये आप देखेंगे, ये अभी यहाँ पे एक फायर बेस ऑथेंटिकेशन की लाइब्रेरी जो है वो ऐड हो गई है। ठीक है, डिपेंडेंसी सेटअप करेक्टली, ठीक है, तो ये हमारी ऐड हो गई। जैसे ये टिक हो जाएंगे मतलब कि आपका काम ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, बंद करने की इन सब चीजों को। आपने कोई चीज आप अब आपने सबसे पहले अपनी हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं कि अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो आप डेटा बे अपने ऑथेंटिकेशन के लिए डेटा जो है वो इंसर्ट करते हैं, तो वो उसके इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, इसको हम क्लोज कर देते हैं अभी के लिए कि भाई तुम थोड़ा सा देर, हम अपना जो लेआउट है वो डिजाइन कर लेते हैं। लेआउट हम लोग ऐसे करते हैं कि टाइम बचाने के लिए, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लेते हैं। टैक्सेस भी जाते हैं, प्लेन टैक्स, ईमेल, हमें ईमेल चाहिए। हम लोगों ने क्या किया था, हमें एक ईमेल चाहिए थी, हम यहाँ से एक ईमेल बना लेते हैं। भाई ये ईमेल आ गई तो कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देते हैं, ये हो गई, ये हो गई, यहाँ से हमारे कंस्ट्रेंट्स ऐड हो गए। बॉटम कंस्ट्रेंट है वो मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, दूसरे ईमेल नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, एक और पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, तो ये जैसे इसको इसको कंस्ट्रेंट इसके टॉप के साथ लगा दूंगा, और अगर ये अटैच हो गया तो हो गया मेरे ख्याल से, और इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ये दो मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गए, इसके अंदर मैं हिंट भी ऐड कर देता हूँ ताकि पता चल जाए कि यार इसके अंदर क्या करना था हम लोगों ने। ईमेल, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, एंड पासवर्ड। तो ये हमारे पास एंड आ गई। अब हमें क्या चाहिए, बटन चाहिए जिसके ऊपर क्लिक हो तो वो अकाउंट क्रिएट कर दे। ठीक है, वैसे अब साइन अप के लिए बहुत ज्यादा डिटेल्स होती हैं, लेकिन अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूँ और ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे चाहिए भी सिर्फ दो चीजें, ईमेल और पासवर्ड। बाकी चीजों को कैसे कहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे वो भी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में परेशान नहीं होना, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। तो मेरा है कि 40 सेशन, 40 मिनट का ये जो सेशन है, इसी के अंदर हम लोग कम से कम अकाउंट क्रिएट कर लें और उसको साइन इन कर लें। अच्छा, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया, इस फॉर्म का जो बटन का टेक्स्ट है वो चेंज कर लेते हैं। टेक्स्ट क्या, बटन का टेक्स्ट क्या लिखा हुआ, बटन लिखा हुआ है, तो इसको हम कर लेते हैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर है सबको। अब हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो आईडीज है ना वो देख लेते हैं। यार आईडीज क्या थी, इसकी आईडी है एडेड टेक्स्ट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, इसकी है एडेड टेक्स्ट टेक्स्ट पासवर्ड, और इसकी है आईडी बटन। ठीक है, तो इनको आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जो काम करते होते हैं हम बाइंड कर लेंगे। तो एडेड टेक्स्ट की बना लेते हैं, एडेड टेक्स्ट ईमेल। ठीक है, और दूसरा हम कौन सा वेरिएबल बना लेते हैं, एडेड टेक्स्ट पासवर्ड। तो BTN क्रिएट अकाउंट,
ये हमारे पास बटन बन गया। अब इनको बाइंड कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट ईमेल फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस, ये आ गया हमारे पास एडिट टेक्स्ट पासवर्ड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी और डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट पासवर्ड, ये हो गया हमारे पास। अच्छा ये दो चीजें हमारे पास अब आ गई हैं। अब हम लोग बटन को भी बाइंड करना है, ठीक है। ये चीजें तो आप लोगों को सही फिंगर टिप्स पे आ गई होंगी। BTN नहीं सॉरी, इसकी आईडी क्या थी? बटन थी मेरे ख्याल से ना, BUTN, ये बटन है। अब हम इसको बटन के ऊपर जैसे क्लिक होगा तो क्या करना है, वो सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट ऑन क्लिक लिसनर भी ऐड हो गया। अब हम क्या करना है यार, इस ई बटन के ऊपर जब क्लिक हो तो ईमेल के अंदर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आ जाए भाई, एडिट टेक्स्ट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है, गेट टेक्स्ट कर दो और टू स्ट्रिंग कर दो। और एक और ट्रिम भी करवा दिया था कि यार वो वाइट स्पेस एक बच्चे का एरर आ रहा था, तो उससे एरर से ऐसे बचने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं कि यार जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेस है एंड पे है, ट्रिम का फंक्शन ये करता है, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे के समझा देता हूँ कि एक बच्चे ने अपनी मेल लिखी है, मेल क्या लिखी है, ईमेल इक्वल टू जैसे सिप्तान एट द रेट ऑफ जीमेल डॉट कॉम, ठीक है। उसने गलती से एंड पे उसकी कहीं स्पेस प्रेस हो गई है। अब देखने में तो ये एक वैलिड मेल है, लेकिन जब आप मेल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कह रहा होगा भाई कि आपकी जो मेल की फॉर्मेट है वो बैड है, ठीक है, कुछ ऐसा बैडली फॉर्मेटेड ईमेल इज इंटर्ड, कुछ इस तरह का एरर एक्सेप्शन आती है। तो फॉर्मेट तो वैसे तो ठीक है दिखने में, लेकिन ये एक स्पेस होने की वजह से ये इशू कर रहा है। जब आप ट्रिम यूज करेंगे तो एंड पे वो स्पेस होगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ट्रिम का मेन पर्पज ही है। अच्छा मैं ये इसको रिमूव कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, एडिट टेक्स्ट पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ये आ गया जी। अब हमारे पास हम लोगों ने ये काम तो सारा हमारा रेडी हो गया जी, जो चीज हमें पता थी कि क्या किया। हम वापस आते हैं असिस्टेंट की तरफ। असिस्टेंट को कहते हैं कि यार बताओ हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो ये कहता है कि सबसे पहले तो आप ये करो कि ये वाला जो कोड है ना फायरबेस ऑथेंटिकेशन का, इसका एक वेरिएबल बना लो, ठीक है। वेरिएबल हम लोग जैसे बटन वगैरह के ऊपर बनाए थे, ये ऊपर बना लो, इसको भाई वेरिएबल इसका बना लेते हैं। अब इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लो। इनिशियलाइज आपने ना कहाँ पे करना है कि इसको इनिशियलाइज कर लो भाई, अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर इनिशियलाइज करो। तो मैं इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ अपने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर। ऑन क्रिएट का ये मेथड है ना, जैसे आपकी एक्टिविटी क्रिएट होगी सारे, जैसे बाइंड वगैरह भी यहाँ पे किया तो उसको इनिशियलाइज भी यहाँ पे कर लेता हूँ। अब भाई इसके ऊपर जब हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन मतलब आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि ये देखो जैसे ही मैंने डॉट लिखे तो आ गया मेथड सजेशन में, आ गया क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड से यूजर क्रिएट कर दो, ठीक है जी। पहला आर्गुमेंट आपने ईमेल देना है, दूसरा आपने पासवर्ड देना है, तो ईमेल एंड पासवर्ड आपको हो गया। अब यहाँ तक आपका वैसे तो अकाउंट तो क्रिएट हो गया, लेकिन मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि यार क्या हुआ है, मैं ये रिक्वेस्ट किया तो कोई सक्सेसफुली रन हुई है कि नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे एड ऑन कम्प्लीट क्लिक लिस्टर को यूज करूंगा, न्यू आर्गुमेंट पास करूंगा, स्पेस कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस किए, सजेशन आ गई, ठीक है। पहले नंबर पे जो मेरे पास आ रहा है ऑन कम्प्लीट क्लिक, तो इस लिस्ट में इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, ठीक है, तो ये ऑन कम्प्लीट का मेथड ओवरराइड हो जाएगा। ऑन कम्प्लीट का मेथड जब भी जैसे ही ओवरराइड होगा तो मेरे पास ये जेट ब्रेन का कुछ आ रहा है, इसको तो मैं रिमूव करता हूँ कि ये तो जाओ ना भाई, ठीक है। अच्छा अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर आपके पास ये जेट ब्रेन वाला आता तो रिमूव कर दें, अदरवाइज आप तो उसको कर लें। अच्छा टास्क मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ टास्क जो है भाई मेरा इज सक्सेसफुल, अगर मैं ये टास्क है वो सक्सेसफुली डन होता है, ठीक है, तो फिर भाई जो आपने काम करना है टोस्ट वगैरह। अच्छा डोर पे कोई है तो एक मिनट रुकिएगा, चले ही हैं। तो हम क्या कर रहे थे कि जैसे हमारा सक्सेसफुली टास्क डन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेक टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट
और यहाँ पे भाई सक्सेसफुली आपका जो है वो रन हो, सक्सेसफुली अकाउंट इज क्रिएटेड, मैं लिख देता हूँ जो भी आपने मैसेज लिखना है, या आप जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है, सक्सेसफुली क्रिएट होता है, तो आप अपनी लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे भाई नॉर्मली एप्लीकेशन होता है कि आप अकाउंट क्रिएट करते जाते हैं तो आपको नॉर्मली होम स्क्रीन पे इंटेंट कर जाता है, या लॉग इन पे चला जाता है कि आप दोबारा लॉग इन करो, तो आप वो यहाँ पे इंटेंट की लॉजिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। वो अब आप पे डिपेंड करता है, आप डिफरेंट लॉजिक्स, मैं बस यहाँ पे एक क्लोज शो करवा रहा हूँ, ठीक है, या जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक। तो वो चीज आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे क्या भाई करना है। तो ये शो हो गया, एल्स अगर वो सक्सेसफुली नहीं होता तो भाई कोई ना कोई एक्सेप्शन आई होगी जिसकी वजह से नहीं हुआ, तो एक्सेप्शन जो है ना वो ट्रेस कर सकते हैं हम लोग इजीली। मेन पर्पस जो था मेरा, मैंने क्लास में भी ये चीज करवाई थी कि टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज, ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर एक मैसेज, बस सिंपल आप गेट एक्सेप्शन लिखेंगे तो आपके पास वो एक मैसेज शो हो जाएगा, लेकिन टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा। गेट मैसेज करेंगे तो आपको स्पेसिफिक मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो एक्सेप्शन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी लिखा होता है, तो टेक्स्ट लिखा होता है। अच्छा, ये हमारे पास अभी सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं अपना एमुलेटर चलाता हूँ, अगर मेरा एमुलेटर सही चलता है तो उम्मीद है कि ये चल पड़ेगा, ठीक है। क्या कहता है भाई मॉडरेटर, नहीं भाई आज मेरा जो लैपटॉप है ना उसने थोड़ा सा जवाब दिया हुआ है, रीस्टार्ट कर लो। मैं एक्चुअली रीस्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे पास इसमें पुराना व्हाट्सएप वेब ओपन था, तो मेरा जब से फोन खराब हुआ तो वो व्हाट्सएप वेब भी पुराने ओपन होने की वजह से कुछ लोगों के नंबर थे, तो मैं वहां से नंबर सर्च करता हूँ, फिर लोगों को कॉल करता हूँ जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है। तो एबीडी ड्राइवर जो है वो SDK परफॉर्मेंस प्रॉब्लम अपडेट टू न्यू वर्जन टू गेट द सिग्निफिकेंट फास्ट, इसके साथ कोई इशू आया हुआ तो वो कह रहा है कि अपडेट शेड करो, लेकिन अभी हम अपडेट तो नहीं कर सकते, टाइम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक मेल देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, कोई भी। और अच्छा, आपने जो मैसेज है मैंने वो जस्ट शो करवा दिया है, तो आपको यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा अगर मैं इनवैलिड देता हूँ, लाइक मैं 5 तक देता हूँ, 1 2 3 4 5, तो आपकी जो फायरबेस की रूल्स हैं एथेंटिकेशन के लिए, आपको पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 6 करेक्टर तक होना चाहिए। मैं जैसे 6 पे करूंगा, 5 पे किया, क्लिक किया है, इसने अकाउंट क्रिएट नहीं होना। मैं इस पर क्लिक कर, अच्छा एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, क्रैश नहीं हुई ना, वो टॉस शो कर रहा है क्योंकि मेरा एमुलेटर प्रॉपर नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पे उम्मीद है कि क्रिएट हो चुका होगा। मैं ऐसे करता हूँ कि अपनी फायर बेस चेक कर लेता हूँ कि फायर बेस पे डेटा आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो फायर बेस पे मैं जाता हूँ, ये देखें डेटा आ गया, ठीक है, कब आया, 22 तारीख को, अभी मैंने भी किया एक बार, वो जो एक्सेप्शन टाइप आई थी, नजर आई थी, वो एक्सेप्शन इसकी एमुलेटर की स्लो परफॉर्मेंस होने की वजह से, कोई आया था नॉट रिस्पॉन्ड, नहीं कोई एक्सेप्शन, क्रैश वगैरह नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसने अकाउंट क्रिएट कर दिया आपके सामने। मैं एक और करता हूँ कि यहाँ पे 3 एक और नेम ई मेल के साथ तो लॉग इन करता हूँ, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो इसको जो आपके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, क्या वो डेटा भी आ गया, वो देखें ये 3 वाला भी आ गया, तो मतलब कि हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो रहा है, टोस्ट नहीं शो हो रहा। वो एमुलेटर का आपको पता है कि कभी कभार मसला करता है और लैपटॉप को थोड़ा सा इशू है इसलिए। अच्छा चलें, ये तो हमारा सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमारे पास है मैक्सिमम 10 मिनट, और 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने अकाउंट को चेक करना है कि लॉग इन हुआ है कि नहीं हुआ। तो मैं ये कर रहा हूँ
कर क्या रहा हूं कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक है, वाइड क्रिएट अकाउंट का, और इसके अंदर ना ये सारे के सारे डेट कोड उठा के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये कहाँ तक है? ऑन क्रिएट क्लिक तक है ना, यहाँ तक है। तो ये वाला सारा के सारा कोड जो है मैं यहाँ पे कट करता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैं कर क्यों रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल क्या कॉल कर देता था, ऑन क्रिएट अकाउंट, तो ये मेरा सारा कोड चल जाएगा। अब मैं इसकी जगह, इस मेथड की जगह एक और मेथड बना रहा हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ये कोड पड़ा होगा, ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और मेथड बनाता हूँ, वाइड लॉग इन अकाउंट, ठीक है। वो कोड जो है, अब मैं मुझे असल में एक्चुअली मैं उस टाइम से बच रहा हूँ कि मुझे ये दोबारा लॉग इन के लिए अलग स्क्रीन बनानी पड़े, तो मैं एक ही एक्टिविटी के अंदर दूसरा कोड भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी, ठीक है। ये जो भी ज्वाइन है, इस ये चीज समझ आ रही है ना आप लोगों को कि मैं क्या कर रहा हूँ? सर आ रही है ना कि मैं एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि लॉगिन के अंदर एक लॉगिन का फंक्शन बना दिया और उसको उसी सेम टेक्स्ट फील्ड को लॉगिन के लिए यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अब मैं ये कर लूंगा कि क्या मुझे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट नहीं करना अब लॉगिन के लिए, सॉरी, क्या करना है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये करना है, ठीक है। बाकी आपका काम जो कोड है सारे का सारा सेम है, सक्सेसफुली डन हुआ है तो काउंट इन लॉग इन, सॉरी अगेन। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इंटेंड करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास तो वो शो नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, टोस्ट, यहाँ पे क्या क्या ऐसा काम करूं कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि यार मेरा ये सक्सेसफुली कोड रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या मैं एक एक स्क्रीन बना लूं, ठीक है, और उसमें इंटेंड करवा देता हूं अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि यार ठीक है, रन हो रहा है सक्सेसफुली। ये एक और स्क्रीन बना ली, ठीक है, और टोस्ट को भी रहने देते हैं, रन हो गया तो शो हो गया तो ठीक है, ना होगा तो। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये हमारे पास एक मेथड होता है कि स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर आप डायरेक्ट उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, तो ये भी हमारा काम चल सकता है। अगर मैंने आपको क्लास में इसका बताया है, तो मैं सिंपल इंटेंड करवा रहा हूँ, किधर जाना है हम लोगों ने, मेन एक्टिविटी टू में। ये मेरे एक लाइन से इंटेंट वाला काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने दोबारा रन किया, तो अभी यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, मेल लिखते हैं, मैंने यहाँ पे एक अकाउंट ऐड किया था, stan@gmail.com, पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे ही क्रिएट, और वो क्रिएट अकाउंट का बटन टेक्स्ट मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन ये लॉग इन पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को आप माइंड में रखना। तो जैसे उसके ऊपर क्लिक किया, अगर सक्सेसफुली उसने लॉग इन कर लिया तो वो इंटेंड कर देगा, तो उसने सक्सेसफुली लॉग इन शायद नहीं किया। या ये एक्टिविटी न्यू जो मैंने लॉन्च किया वही ओपन नहीं है, एक मिनट मुझे यहाँ पे चेक करने दें, sipten@gmail.com, ये चीजें ठीक है।
अच्छा वो गलती मैंने क्या की है, कोई बताएगा जल्दी से? यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक की हुई है मैंने, यहाँ पे ऑन क्लिक पे ना कोई फंक्शन कॉल ही नहीं किया हुआ, ठीक है, इसलिए वो रहा था। तो ये जैसे यहाँ पे आता है दोबारा से मैं वो देता हूँ siptan@gmail.com और पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अभी सक्सेसफुली लॉग इन होता है, मीन कि ये पार्ट हमारा रन होता है तो कौन सी दूसरी एक्टिविटी ओपन हो जाएगी और वो हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को ऐसी चीजें क्लियर हो गई है कि ऑथेंटिकेशन किस तरह करनी है, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट सेशन कम्प्लीट हो रहा है, तो सेकेंड सेशन में हम लोग अभी ये करेंगे, दूसरा सेशन भी बनाएंगे, वो उसके अंदर हम लोग ये कर लेंगे कि ये जो डेटा है ना साइन अप वाला पेज है उसको उसके अंदर थोड़ी सी और डेटा डाल लेंगे, क्योंकि नॉर्मली साइन अप के पेज के अंदर दो चीजें नहीं होती होती, ईमेल एंड पासवर्ड, उसके अंदर बहुत सारा डेटा होता है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, जो बाकी डेटा होगा, ठीक है, वो तो उसको हम लोग उसको भी सेव करवाएंगे, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज कर लेंगे, इधर सेव करवा लेंगे, बाकी डेटा हम लोग कहाँ पे सेव करवा लेंगे, अपने रियल टाइम डेटाबेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस होती है, इसके अंदर हम लोग सेव करवा लेंगे। अब उसके अंदर कैसे सेव करवाएंगे, क्या लॉजिक यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप ये बताएं कि नेक्स्ट सेशन हम अभी रखें या थोड़ी देर बाद खाना खाना खा के या कल रख लें? आप फ्री हैं सर तो अभी रख, ये बाकी अगर बच्चे अवेलेबल हैं तो मेरे पास ये है कि थोड़ा खाना खा के फिर नेक्स्ट सेशन रख लेते हैं, उसके तो ये चीजें कर।